जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अपने गाने में जब कोई बंदो बाल्टी भर के चांद पे रंगे रोकाई लड़की के, तो वो चोली बोली में है कि जाएगा रंग और कहाँ है कि जाएगा। तो यानी गलत कहा, सही बोल लो, तू सही बोल लो। एक बार और सुना मुझे ऐसा गाना। हाँ हाँ अभी सुना रहा हूँ। ओ रंग बरसे भीजे कलों की, ओ भज्जी सुन सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन तू एक बार। मैं देख अब मैं लगा रही गाने, और तू भी मत गा। हाँ ऐसे गाने में अब देख मैं अब गाने लगा रही ना, अब तू भी मत गा। हाँ मैं यह बात कह रही हूँ तुझसे, मैं तो गा कल्लो खेले होली मसाने में, कल्लो होली खेले मसाने में, हाँ? रोकाई लड़की के, तो वो चोली बोली में है कि जाएगा रंग और कहाँ है कि जाएगा। तो यानी गलत कहा, सही बोल लो, तू सही बोल लो। एक बार और सुना मुझे ऐसा गाना। हाँ हाँ अभी सुना रहा हूँ। ओ रंग बरसे भीजे कलों की, ओ भज्जी सुन सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन तू एक बार। मैं देख अब मैं लगा रही गाने, और तू भी मत गा। हाँ ऐसे गाने में अब देख मैं अब गाने लगा रही ना, अब तू भी मत गा। हाँ मैं यह बात कह रही हूँ तुझसे, मैं तो गाऊंगा, तू गले में मोते है, तू अपने गाने गाती रहे, पर मैं अपने गाने गाऊंगा। हाँ तू तू मेरे बीच में काहे बोल रही है ना, मैं अब तेरे बीच में बोल रहा हूँ, तू भी मेरे बीच में मत बोल। हाँ मेरा तो मन कर रहा हूँ गाने गाने को, मैं तो गाऊंगा। हाँ माफी मांग रही हूँ, माफ कर दे मुझको, अब लगाऊंगी मैं गाने। हाँ तू भी मत गा, पर मेरे
बारे में ऐसे ऐसे गाने में। क्यों गाल है ना, अम्मे लगा रही, अम्मे लगा रही। अब तू भी मत गा, तू भी मत गा, मैं कह रहा चुप है जा, मानी ना रही, मानी ना रही। भज्जी ते पन्ना ले रही है, भज्जी ते बहस कर रही है, भज्जी ते होरी पे बताऊंगा तुमको तो काकरे को होरी पे नहीं रहा, होरी पे तेरी चोली फाड़ के बाहर जाऊंगा, कल्ली मेरे का करेगा और न्योर कह दूंगा बुरा न मान होरी है। हाँ जब जब देखूंगा तुमको है इतनी हिम्मत है, न्योर ने पता दी ना कितना मोटा डंडा रहे ना बाजन हाथ में हमारे। तो काहे को डंडा रह गया तो एक डंडा ही सही, पर तेरी चोली जरूर फाड़ूंगा। हाँ या बात हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लियो या बात, तेरी फाड़ के जाऊंगा बाजन, चाहे दो तीन डंडे ही खाले पड़ जाए तेरे हाथ में। अब तुम दोनों शांत बैठोगे या ना बैठोगे? शांत ही बैठो, मैं तो क्लास में, पर यहाँ ने मेरा मूड चटका दिया। हाँ यू ही मुंह बोलने पर मजबूर कर दिया। अब ना यू तो कुछ बोलेगी और तू भी अभी आते कुछ ना बोलेगा। हाँ तू भी शांत बैठ जा और यू भी शांत बैठ रही है, ठीक है? और कल ना तू भी शांत बैठ जा। यू शांत है तो मैं भी शांत हूँ, यू कुछ बोलेगा तो फिर मैं भी कुछ बोलूंगी, मैं थोड़ी रुक जाऊंगी, फिर मेरी होड़ करेगी तू। देख भज्जी फिर तू बोल लो, मैं कह रही हूँ तू चुप बैठ जा, यार भी चुप कर ले, फिर यू अब चुप पाइए और तू भी चुप बैठ जा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भज्जी बेटा एक बात पूछू तेरे से? हाँ पूछो। हरदम तेरे मुंह पे गुस्सा धरो रहे, कभी मुस्कुरा भी लेकर क्या? यह चीज की तो शिक्षा देनी पड़ेगी कि कैसे मुस्कुरा हो जाए, कैसे ना मुस्कुरा हो जाए। अब सही है, अब सही है ना, अब सही है। हाँ तो हरदम वह मुंह फिरा के रख रहेगा। तो बच्चों आपको पता है कौन सा त्योहार आने वाला है? अब यू भी कोई पता करने वाली बात है, कौन सा त्योहार आने वाला, कौन सा त्योहार न आने वाला, सब पता हो रही आ रही। तुम भी सर जी पता ना कैसी बात कर रहे हो, सबने रंग ले लेके धन लिए और तुम यो कह रहे कौन सा त्योहार आने वाला, बस मो छोड़ कर सबने रंग ले लिए होंगे। मैं आज लेने जाऊंगा रंग और पिचकारी। शांत रहेगा ना रहेगा तू, क्या बताऊं तू अभी आके? तो आप सब में से कौन बताएगा होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाथ खड़ा करो। बेइज्जती करवाओ लड़कन की, हाथ खड़ा कर ले। ए मुंह न पको, क्यों मनाया जावे होली को त्योहार? वो कौन सा पता, मैंने तुम लड़के ने देख के हाथ खड़ा कर लो, जो हमारी बेइज्जती रह जावे तू भी खड़ा कर ले। हम तो थोड़ी पूछ रहे सर जी, लड़कन से ही पूछेंगे। लड़कन ने हाथ खड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। लगता है क्लास में ज्यादातर बच्चे मेहनत करने लगे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हाथ खड़ा देखकर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो धनुआ बेटा तुम ही खड़े है जाओ, तुम ही बता दो मेरे को होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मोए का पता ही तो ये खड़ो करेंगे सर जी। खड़े हो धनुआ बेटा और बताओ क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? हाँ हाँ सर जी अभी खड़ा है, अभी बता रहा हूँ। बताओ धनुआ बेटा। का बताऊं? हाँ? सर जी होली यालिया मनाई जावे क्योंकि एक वैज्ञानिक ने गुलाल की खोज करी। लाल पीरो हरो गुलाबी संतरी सफेद जैसा भी गुलाब चाहिए वाने हर तरह के गुलाल की खोज कर दी। तो वाने गुलाल बना तो दियो, तो वाको कोई फायदा ना हुआ गुलाल बनाने को, तो वाको बनो हुआ गुलाल यूं ही घरों रहवे, घर में ना कोई खरीदे हो तो कोई खरीदेगा ही काहे को, कोई मतलब नहीं। जब होली ना मनेगी तो कोई खरीदेगा काहे को वा गुलाल, या हमारे वाको गुलाल बिके नहीं हो। तो वो बड़ो परेशान के यार मैंने गुलाल की खोज कर तो दई, गुलाल बना तो दियो, पर या को का फायदा बनाने को, या की खोज करने को का फायदा जब या कोई खरीद ही ना रहो। तो फिर वहाँ के दिमाग में एक आइडिया आयो, तो वहाँ ने गुलाल को एक कट्टा उठा के और भाग चला हुआ अपने मोहल्ले में ही, तो वहाँ ने लोगन पे बरसाना चालू कर दियो। तो लोग भी खुश से है गए, पहले तो गुस्सा सी आ रही लोगन ने, पर वो खुश है के मजा सवार हो यार या तो उड़ाने में। तो फिर जैसे ही वहाँ को पहले गुलाल को कट्टा खत्म हुआ तो दो तीन कट्टा और निकाल लाए, क्योंकि बाहर पब्लिक है मजा आ रो, जनानी आदमी ने मजा आ रो गुलाल उड़ाने में, तो वहाँ ने दो तीन कट्टा ऐसे उड़ा दिए मजा मजा में। तो वो खुश और पब्लिक खुश। फिर वो आदमी उनते पूछे, जनानी ते आदमी ते के मजा आयो ना आयो गुलाल उड़ाने में? फिर वो कहने के हाँ बहुत मजा आयो बहुत मजा आयो, अब हम रोज तुम पे ते गुलाल ले जा करेंगे और रोज उड़ा करेंगे, हाँ बहुत मजा आ रो हमें तो ऐसे गुलाल उड़ाने में। तो ऐसे ही खूब एक दो महीना तक खूब गुलाल बाजी बाजा हुई। पहले दिन तो वहाँ ने फिली में गुलाल उड़ा दियो, तो फिर एक दो दिन बाद वहाँ ने पैसा लेने स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ को बिजनेस चल गो, वहाँ का गुलाल बिकन लगो। तो फिर यू बात सरकार पता लग गई का यू क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस दुनिया में। सरकार बहुत परेशान उनते, तो सरकार ने फिर उनते कह दी कि साल में एक से दो दिन बस तुम गुलाल खरीद सकते हो और एक दूसरे को लगा सकते हो। तो सरकार ने
बात करी के साल में एक से दो दिन जौन से भी दिन तुम गुलाल उड़ाओगे ना, वह होली के नाम से जाना जाएगा। तो यही मारे हम गुलाल उड़ावे, तो तुम्हें पता हो तो फिर तो अलग अलग तरीका से काम हो गए। पिचकारी चल गई, यूं तो अब चलन लगी है पिचकारी विचकारी, तो पहले ऐसे ही गुलाल बाजी बाजा हो गई। यही मारे होली मनावे हम। यहाँ पे का सर जी, यहाँ पे आ। हाँ हाँ सर जी। जब कोई चीज ना पता हो करे तो चुप बता देना चाहिए कि सर जी मुँह ना पता होली क्यों मनाई जावे, क्यों ना मनाई जावे। बनाया जा रहा कहानी है, बनाया जा रहा कर दई काई ने गुलाल की खोज। गुलाल ना बिक रहा वहाँ यही मारा भार उड़ान लगो, गुलाल फ्री में बाद में ले लगो पैसा, यही मारा मनाई जावे होली। दंगो तो छूत में सर जी, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब ना बनाऊंगा कोई कहानी, अब ना बनाऊंगा। छोड़ दो ना छोड़ दो, करवाऊंगा अभी। चला जा अपनी सीट पर। भज्जी बेटा तू खड़ा हो, तू बता होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मोला पता सर जी क्यों मनाया जा रहा है होली का त्योहार? पर तूने हाथ तो खड़ा किया था। ए वो मैंने होली के बारे में बताने के लिए हाथ खड़ा न करो, मेरी बगल में खुजली सी मार रही तो खुजा मिटाने के लिए हाथ खड़ा करो मैंने, जो खुजा मिटा सकूं अपने। होली के बारे में बताने के लिए हाथ खड़ा न करो मैंने, मोला पता होली क्यों मनाई जा रहा है? चलो मैं आपको बताता हूँ होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। पौराणिक काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्यराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था, ना वो धरती पर मरेगा, ना आसमान में, और ना ही दिन में मरेगा, और ना ही रात में, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा, ना वो घर के अंदर मरेगा और ना ही घर के बाहर मरेगा, ना उसको कोई जानवर मार सकता था और ना कोई इंसान मार सकता था। तो फिर इतने वरदान मिलने पे वो आदमी अपने आप को अमर समझने लगा। कहाँ समझन लगो अपने आप को अमर, जो हमारे घर के बाहर रहे का है, हमारा पड़ोसी है का वो मादर चोद, वो तो बहुत हरामी है। बताओ इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अपने आप को अमर समझ रहे है, वो कहीं बैठाने लायक ना है। हमारा पड़ोसी है का वो अमर, कहीं बैठाने लायक ना है, कोई कोई पूछे भी ना रहा को, फिर भी वो आदमी अमर समझ रहे अपने आप। मेरी तो अमर के दिन कितनी बार लड़ाई है, कितनी बार मैंने बजा दिया वहाँ पे, मुही मुँह बजाया मैंने कई बार और बुरो ही बजाया वहाँ पे। हाँ वो बनेगा अपने आप को नवाब। तू शांत बैठेगा ना बैठेगा, चुप सुन ले जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर जी, ठीक है। तो फिर जो हिरण्यकश्यप हो वह इतने वरदान मिलते ही वो अपने आप को अमर समझने लगो, और लोग वारों ने परेशान करने लगो, और उनके कह करे कि तुम मेरी पूजा करे करो। हाँ वाको तो मेरे दिन भेजना चाहिए, मैं करवा दो आपकी खट्टी पूजा। तू का कर ले तवाको, या बात बता तू का कर ले तवाको। मैं बजाता वहाँ पे, मैं करवाता वहाँ पे पूजा, खट्टी पूजा करवा देता वहाँ। हम वहाँ की पूजा करेंगे कि अपने भगवान अपने देवी देवतन की पूजा करेंगे, वहाँ इकट्ठा भगवान बनवा देता हूँ। हाँ मैं एक बार मैं ढिंगा जाता था। तू का कर लेता वहाँ को, जब कोई आदमी गोली से मरता हो ना तलवार से मरता हो ना दिन में मरता हो ना रात में मरता, तो तू का बिगाड़ लेता वहाँ को। वो मरता ही तो ना सर जी, मैं जब वहाँ की लात घुसा बजाता वहाँ की डालन के नीचे तो दर्द तो होता, बेशक मरता ना पर दर्द तो पूरा ही पूरा होता वहाँ को। जो आदमी काई चीज से मरे ही ना रहा तो तेरे घुसन से दर्द होता वहाँ को, दर्द भी ना होता वहाँ के। फिर तो बेकार है, फिर ना आना चाहिए। मैं ढेंगू खामो खा मैं अपने हाथ नहीं दुख दूँ, वहाँ के दर्द ना हो रहा तो मेरा का फायदा वहाँ पे बजाने। फिर कोई फायदा ना, फिर मैं वहाँ पे काय को बजाऊँ जब वहाँ के दर्द ही ना होगा तो। यहाँ पे आ। का सर जी, यहाँ पे आ, यहाँ पे। हाँ हाँ सर जी। हेरो दर्द ना हेरो। कोने में जाके हाथ खड़े कर ले, कह रहा हूँ शांत सुन ले, शांत सुन ले जो मैं सुना रहा हूँ, शांत सुन ले, पर भराई ना रही दिमाग में। तो फिर हिरण्यकश्यप का एक लड़का होता है प्रहलाद, जो अपने पापा की पूजा नहीं करता था, वो पूजा करता था श्री विष्णु जी की। तो फिर वहाँ के पापा ने बुरी लगन लगी कि यू मेरी पूजा न करके विष्णु की पूजा कर रहा, मेरे दुश्मन की पूजा कर रहा। ए सर जी एक बात पूछू तुमसे? हाँ हाँ पूछ। मो लगे तुम भूल गए देखो मैं का चीज के बारे में बता रहा हूँ। का मतलब? मतलब तुम्हारी यो कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, पर अभी तक यहाँ में होली को नाम ना आयो। मैं यही मारे कह रहा हूँ तुमसे, मो लगे तुम भूल गए देखो कि मैं बालकन ने का चीज बताना चाह रहा हूँ। तुम हमें होली के त्योहार के बारे में बता रहे, और पता ना तुम कहाँ हिरण्यू तक पहुँच गए। मो लगे गलत राह पे पहुँच गए तुम, गलत रास्ता पकड़ लियो देखे तुमने। होली के बारे में बताओ, होली के बारे में। यहाँ पे आ तू भी। तुम दोनों मेरी आंखन के सामने तले कर जाओ, बाहर लेकर क्लास में थे, बाहर चले जाओ, जल्दी निकलो बाहर बेवकूफ लड़के।